भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले व्हाइट हाउस का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति इसे खुद महसूस कर सकता है। माना जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंताओं को खारिज करते हुए अमेरिका ने ये बात कही है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सामरिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जो कोई भी भारत जाता है इसे महसूस कर सकता है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत और उनकी स्थिति चर्चा का हिस्सा होगी। किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा, देखो हम कभी झिझकते नहीं हैं। आप दोस्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं। आप कभी भी उन चिंताओं को व्यक्त करने से नहीं कतराते हैं जो दुनिया में कहीं भी उठ रही हों। हालांकि ये यात्रा संबंध गहरे करने, साझेदारी मजबूत करने और दोस्ती आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी। किर्बी ने कहा कि भारत कई स्तरों पर अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 21 से 24 जून को अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे।